जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूला कि उसने रात को 2 बजे मां को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा तड़पती रही। मौत होने के इंतजार में वो बार बार दरवाज़ा खोलकर मां को तड़पते हुए देखता था, फिर कमरे का लॉक बंद कर देता था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कासिम आब्दी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। इसमें उसने बताया कि 4 जून की शनिवार रात वह मां के साथ सोया था। पिस्तल उसी कमरे की अलमारी में रखी थी। मां के सिरहाने से चाबी निकालकर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्टल निकाली। पिस्टल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखे थे। मैगजीन लोड करते हुए हाथ काँप रहे थे, क्योंकि इसके पहले कभी रियल गन नहीं चलाई थी। इस मामले में नवीन की मां नीरजा देवी ने पोते के खिलाफ बहू की हत्या का केस दर्ज कराया। आरोपी बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। कातिल बेटे के फौजी पिता नवीन रोते हुए कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हंसते खेलते जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। बेटे को उसके गुनाह की पूरी सजा मिले, इसके लिए हर प्रयास करेंगे। पिता नवीन ने बताया कि 10 वर्षीय बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो कोर्ट में बतौर चश्मदीद गवाह पेश होगी। बेटी को कोई बरगला ना कर सके और वो इस मेंटल ट्रामा से बाहर निकले, इसके लिए उसे अपने साथ में रखेंगे। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।